हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। और पिछली बार हमने लिया चैलेंज 1 मिलियन डॉलर का और मैंने सारा साइलो का माल बेच दिया था और 2 खेतों में लगाया है कनोला और 1 में लगाया है सोयाबीन। और ये गाड़ियाँ मेरी खड़ी थी तो गंदी हो गई थी, मैंने इसके लिए ये लगा लिया पंप वाशर, प्रेशर वाशर। तो भाई इससे ज़रा अपनी गाड़ियाँ धो लेंगे बढ़िया सी फटाफट, क्योंकि भाई धुले हुए ट्रैक्टर और धुली हुई गाड़ी अच्छी लगती है ना, गंदी गंदी में मज़ा नहीं आता काम करने का। ट्रैक्टर धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो तो चढ़ने में उसमें बैठने में मज़ा भी आता। तो इसको भी मैंने धो लिया था यार। ये सीटर बदलना पड़ेगा, ये भाई बहुत ही छोटा है 6 मीटर का और ये फर्टिलाइजिंग नहीं करता, तो अब मुझे फर्टिलाइजिंग करनी पड़ेगी। अब मेरा टाइम ख़राब होगा फर्टिलाइजिंग में, तो इसीलिए सीडर वो होना चाहिए जिसके अंदर फर्टिलाइजिंग भी हो, ताकि आपकी कम से कम एक बार तो फर्टिलाइजिंग हो ही जाए। तो अपने खेतों पे मारते हैं नज़र जल्दी से। तो कहाँ गए, इधर है। तो ये दोनों ग्रोइंग हो रहे हैं, देखो ग्रीन ग्रीन। और इसको देखेंगे अगर तो फर्टिलाइज, इसको हटा दूंगा अगर मैं तो, एक फर्टिलाइज हुआ और एक नहीं हुआ। तो इसको मुझे अभी मैंने प्लॉइंग और लाइम नहीं डाला, तो फर्टिलाइज़ तो करना ही पड़ेगा। फर्टिलाइज से भाई आपको पता ही है पैदावार बढ़ जाती है, और फर्टिलाइज़र के अंदर केमिकल होती हैं जो पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह बढ़ाते हैं, खेती हमारी पैदावार बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। और लाइम भी ज़रूरी होता है, खैर लाइम डलता है ज़मीन के बॉटम के अंदर और ये भी पैदावार को बढ़ाने में, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के अंदर बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, लाइम भी डालनी चाहिए। तो प्लोइंग भी करनी थी, लेकिन प्लोइंग करनी पड़ती है भाई 3 बार, मतलब तीसरी बार अगर आपने एक बार प्लोइंग करी हुई है और 3 बार आपने खेती कर ली तो उसके बाद प्लोइंग ज़रूरी है, क्योंकि फिर नीचे काफ़ी कचरा जमा हो जाता है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो चलो यार, अब मैं शॉप पे तो नहीं जा रहा हूँ, आप जाओ तो शॉप पे जाके ले सकते हो, मैं यहीं पर अपना सामान मंगा लेता हूँ। तो मुझे चाहिए अब सबसे पहले तो मुझे फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र मैं ले लूँगा यहाँ से पैलेट से। तो अभी एक मिनट, पहले ज़रा लेते हैं मशीन, क्योंकि उसके हिसाब से लेंगे। अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र लेते हो या मशीन फर्टिलाइज सॉलिड वाली लोगे या लिक्विड वाली लोगे, उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी ये लिक्विड वाली है तो आप सॉलिड इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं अभी तो सॉलिड वाली ही लूँगा, क्योंकि ये भाई बहुत महंगी है, मेरी पहुँच से बाहर है। ये 1,95,000 की, ये 5 लाख की, बाप इतने पैसे ही नहीं है भाई अभी। तो इसमें चलते हैं टूल्स में, तो टूल्स में जाके कहाँ होती थी ये कॉटन टेक्नोलॉजी, भाई मैं तो इसका ही दिन से मैंने मशीनें नहीं खरीदी। तो फॉरेस्ट्री फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है इसमें आ गई, फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजी होती है इसमें यार। कई दिन से खरीदी नहीं है तो ध्यान नहीं था। तो ये फर्टिलाइज़ करता है, ये लाइम फर्टिलाइज दोनों करता है। अच्छा, तो हमें भी लाइम भी डालना है। तो ये है 39,000 का, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ये बड़ा है, इसकी कैपेसिटी है 14,000 की और इसकी है 19,000। तो ये भी हैं और छोटे छोटे, ये पीछे लग जाएगा ट्रैक्टर के, दरअसल ये 3200 है। तो ये 14, हमें लाइन भी डालनी, तो क्या किया जाए यार, अभी इसको लें या इसको लें समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं छोटे से को, तो इसको अभी लगाते हैं, इसको बाई कर, इसको अभी लीज़ पे ले लेते हैं क्योंकि हमारे पैसे बचेंगे, ठीक है ना। इसको लीज़ पे लेके और इसके साथ 2 फर्टिलाइज़ भी लेने हैं सॉलिड वाले, क्योंकि मेरी प्लानिंग कुछ और ही चल रही है, क्योंकि मैं फिर बाद में उसको ख़रीद लूँगा लाइम वाले को, क्योंकि लाइम और फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा बार बार, तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट में भी काम आएगा। तो ये इसके मैं 2 बैग ख़रीद लूँगा अभी फ़िलहाल, उसकी कैपेसिटी है 3,000 की, तो चलो 3 ख़रीद लेते हैं यार। तो पैसे कमाए थे बड़ी मुश्किल से देखो, और इतने पैसे चले भी गए। तो एक ट्रैक्टर ले लेता हूँ कोई भी, इसी को ले लेते हैं, तो इसको कर दूँगा अभी मैं क्विट, इसके अंदर फर्टिलाइज़र है वैसे तो, चलो इसको कर देंगे डिटैच, उसको लगाता हूँ और फर्टिलाइजिंग करता हूँ। भाई फर्टिलाइजिंग वैसे तो 100% होनी चाहिए, 2 बार होती है, जब आप बीज लगाते हो, जब प्लांटिंग करते हो या सीडिंग करते हो, प्लांटिंग तो दोनों ही करते हैं, खैर सीडिंग प्लांटिंग एक ही चीज़ होती है। तो इसको लगा लूँगा, लग जा भाई, ठीक है। अब इसमें कर देंगे आर दबा के रिफिल। तो प्लांटिंग, तो प्लांट मतलब है कि पौधा लगाना, तो ये अच्छा, इसका ढक्कन देखो अपने आप ही खुल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया,
तो ये छोटा सा है, ये छोटू राम देखो पीछे लग गया बढ़िया सा। तो फर्टिलाइजिंग मैं बता रहा था कि ज़रूरी होती है, दो बार होती है, एक बार जब आप सीडिंग करते हो या प्लांटिंग करते हो, और दूसरी बार तब होती है जब वो आपकी खेती थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि जब वो निकल आता है बाहर, जो भी आपने फसल लगाई है वो उग गई, ग्रो हो गई मतलब 50% तक, तो उसके बाद होती है। जब वो 100% हो जाएगी उसके बाद फर्टिलाइजिंग नहीं होती। तो इसको देखते हैं कितना दूर फेंकता है, उसके हिसाब से इसको लगाते हैं ज़रा। इसको ये तो सिर्फ ऑन होगा 20 से, लो भाई ऑन हो गया ये और काफ़ी दूर तक फेंक रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक मिनट बंद कर लेता हूँ। थोड़ा और भाई, थोड़ा और इधर करके लगाना पड़ेगा क्योंकि ख़राब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखते हैं अभी भी, चलो ठीक है थोड़ा इधर कर लेते हैं भाई, थोड़ा साइड में कर लूँगा बीच में। हाँ यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ लगा देता हूँ हेल्पर। तो ये देख रहे हो आप, फर्टिलाइजिंग जब हम करते हैं तो अब वो दिखा रहा है कि ये केमिकल डल रहा है उसके ऊपर और फर्टिलाइजिंग हो रही है। और यहाँ से अगर ज़मीन देखोगे एक तरफ से, यहाँ पे नहीं डला, वहाँ पे सूखी है मतलब लाइट ब्राउन की, और वहाँ दूसरी तरफ हो गई डार्क ब्राउन, तो ये फर्टिलाइजिंग आपको पता लग जाती है। और अब इसमें भी देख सकते हो, अभी इसको प्लोइंग को अगर लाइम को हटा देंगे तो ये इसने यहाँ पर कर दी, यहाँ थोड़ी थोड़ी हो रखी है, ठीक है। तो चलो इसको ख़त्म होने देते हैं, तो फर्टिलाइजिंग पहले होने देते हैं, फिर मैं खेत को बढ़ा दूँगा, खेत को बढ़ा के मतलब टाइम आगे कर दूँगा फास्ट। तो टाइम आप आगे फास्ट कर सकते हो, यहाँ से रियल टाइम होता है, रियल टाइम मतलब असली, ये जैसे आपकी घड़ी में असली चलता है एक मिनट में एक मिनट होगा, तो ये होता है रियल टाइम, लेकिन ये होता है 5 गुना, ये 15 और ये 30 और ये 120। तो इससे जल्दी आप टाइम आगे करके फटाफट अपने खेत को बढ़ा सकते हो और हार्वेस्टिंग कर सकते हो जल्दी से। तो अभी तो मैं इसको रखता हूँ रियल टाइम, तो गेम को सेव कर दूँगा। तो अभी वीड भी आएंगे, लेकिन मैं वीड नहीं मारूंगा अभी, क्योंकि अभी फिर पैसे बहुत लगेंगे, वीड की मशीन मैं बाद में लूँगा। तो चलो इसके बाद खेत बड़े करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ उसके बाद। तो भाई 2 दिन हो गए हैं और आज दूसरा दिन है, मतलब परसों और आज नरसों, मतलब 2 दिन बीत गए। तो ये वीड है देखो, बीच में वीड, ये वीड से ही नुकसान होता है। जैसे अब आपके खेत में वीड आ गए हैं मान लो 20%, तो आपकी फसल हो गई 80%। तो इनको मारने का ये फ़ायदा रहता है कि आपकी फसल आपको 100% मिलती है, मतलब पूरी मिलेगी। तो दूसरा दिन है, एक रात मैं सो चुका हूँ, ये दूसरी रात हो गई, तो लाइट जगा लेंगे ऐप से। तो ऐप से इसकी जलती है लाइट, और ये घर है मेरा, और ये बीच में एक सब्सक्राइब किया एक भाई ने, AK47 रिकॉर्ड्स, थैंक यू भाई सब्सक्राइब करने के लिए, शुक्रिया। तो अरे यार अंदर क्यों नहीं जा रहा, चल भाई अंदर घुस जा। तो ये अपना घर है, यहाँ पे आर दबाएंगे, और आपकी मर्ज़ी कितने घंटे सोना है। तो मैं पूरा फुल सोता हूँ, 12 घंटे सुबह हो जाएगी। तो ये सोने का ये तरीका होता है, ये देखो प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल लीजिंग कॉस्ट, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं उसके पैसे कट रहे हैं, क्योंकि जो मैंने किराए पे लिया हुआ है उसका पैसा कट रहा है। तो टॉर्च करते हैं बंद, और अपना खेत हो गया फुल तैयार। तो टाइम को कर देंगे अब, एक मिनट ज़रा टाइम को कर दूँ, टाइम को कर देंगे रियल टाइम, उसको कर देंगे सेव। और अगर हम देखेंगे तो एक दिन ये मैंने, ये था पहला दिन जिस दिन मैंने फर्टिलाइजिंग करी थी, तो ये दूसरा दिन हो गया, इसके अंदर मुझे घाटा हुआ 457 का, क्योंकि जो मैंने सामान लिया था उसका किराया लग गया, और प्रॉपर्टी जो आपका घर है उसकी मेंटेनेंस भी लगती है, तो इसके पैसे भी कटते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इसके पैसे भी कटते हैं, ध्यान रखना। तो अभी आज है तीसरा दिन, तो कोई भी अपने पास कोई अभी कोई ना नुकसान है ना फ़ायदा, अभी हम ज़ीरो में है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ये हो गया अपना खेत तैयार। ये देखो ये वीड, ये अनचाही झाड़ियाँ, इनको कहते हैं वीड, मतलब कि कीड़ा वीड़ा लग जाता है आपकी, इनको मारना ज़रूरी होता है, इन पेड़ों को हटाना ज़रूरी होता है, कीटनाशक। तो कीटनाशक जो होता है हर्बिसाइड, तो हम जो हिंदी भाषा में कीटनाशक बोलते हैं वो मारना ज़रूरी होता है। तो भाई 9 बज गए सुबह के, और अगर इसको देखेंगे तो ये खेत आप देखो, ये पहले होता है पीले रंग का, तो इसमें कोई है, इसमें अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो पहले ये हुआ था पीला, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, पहले होता है पीला, फिर होता है ऑरेंज, और फिर होता है डार्क ऑरेंज, यानी कि अब ये फुल पक चुका है एकदम। तो चलते हैं यार अपने हार्वेस्टर में, रात में अपना हार्वेस्टर, सुबह के 9 बजे हैं,
देखते हैं आज कितने देर तक, कितने बजे तक खेल पड़ जाएगा। तो पहले काटते हैं कनोला, इसको लगा लेंगे एक बार भाई। इस हेडर को हटाना पड़ेगा यहाँ रास्ते में से, क्योंकि ये रास्ते में आ रहा है। इसको अभी यहीं पे उतार लूँगा और अब चलता हूँ दूसरे, क्योंकि अब कनोला के लिए वो चाहिए। वैसे तो सोयाबीन कनोला दोनों इसी से कटेंगे। वो हेडर जो दूसरा है पीछे, वो कॉर्न और सनफ्लावर, गाजर वगैरह, नहीं गाजर का तो अलग आता है खैर, और आलू का भी अलग आता है, तो सनफ्लावर वगैरह काटेगा उससे और कॉर्न। तो इसको कर लेंगे अनफोल्ड, बस इसको अनफोल्ड करना ज़रूरी है, नहीं करोगे तो ये माल कैसे उठाएगा। इसको लगाते हैं इधर से ही। तो एक काम करूँगा मैं, हेल्पर बीच बीच में, क्योंकि जब फर्टिलाइजिंग कर रहे थे हेल्पर लगाया था मैंने, तो वो हेल्पर नहर के अंदर घुस गया, तो नहर में नहीं घुसने देना। इसको कर लेंगे ऑन बी से। तो इसको मैं ना क्या करूँगा, एक पहले कोने कोने से काट दूँगा। तो ये कटने लगी अपनी कनोला, इसकी कैपेसिटी 10,000 की है। तो एक अगर आपके खेत के आसपास, भाई मेरे खेत के आसपास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, जैसे नहर हो गई या रोड हो गया, तो एक तरफ से आप खुद पहले काट दो, उसके बाद हेल्पर लगाओ, तो हेल्पर पूरा काम करेगा, नहीं तो हेल्पर बेचारा फंसता रहेगा, ये उस नहर के अंदर फंस जाएगा और फिर ये निकलेगा नहीं। तो मैंने उस ट्रैक्टर को फिर निकाला यार बड़ी मुश्किल से, फर्टिलाइजिंग मशीन लगी हुई थी पीछे फर्टिलाइजिंग वाली, फिर मैंने हेल्पर को हटा के खुद ही करी फर्टिलाइजिंग। तो अब ये देखो अब ये हार्वेस्टेड हो गया, ठीक है ना, अब ये हो गया जामनी कलर का, वायलेट कलर का आ गया ये। तो ये दिखा रहा है कि ये कट रही है हमारी फसल। तो थोड़ी सी काटता हूँ उसके बाद लगाता हूँ हेल्पर, दोनों खेत काट देते हैं। दोनों खेत काट के अगर तो साइलो में जगह हुई तो हम साइलो में जमा कर देंगे पहले माल, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो गया तो फिर भाई उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको रखने की जगह नहीं होगी, तो उसको हाथ के हाथ बेच के आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको ज़रा चारों साइड इसकी उड़ा दूँ, वैसे नहर वाली तरफ ही ज़्यादा पंगा है, दूसरी तरफ तो ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, पहले नहर वाली तरफ दो लाइन उड़ा देता हूँ, ताकि हेल्पर आराम से अपना घूम सके फिर सके। तो एक लाइन ये कटने वाली है, और आज हम काट रहे हैं भाई कनोला, और आज तीसरा दिन हो गया, और अभी हमारे पास 2.5 लाख ही है भाई। आज कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में ही रहना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये कट गया, इसको करते हैं बंद, वापस घुमाते हैं। इसकी स्ट्रॉ नहीं बनती भाई, स्ट्रॉ बनती है वीट बार्ली ओट की। तो हेडर भी हमारा काफ़ी छोटा है, इसका हार्वेस्टर का जो हेडर आगे लगा हुआ है वो बहुत छोटा है साइज है, तो बाद में लेंगे बड़ा, इसको बेच देंगे, दूसरा खरीद लेंगे नया वाला, या अभी किराए पे ले लेंगे, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे बढ़ाने हैं, पैसे चाहिए भाई, रोटी खाने के लिए, बिजली के बिल, फ़ोन के बिल, और आपको पता ही आजकल कितने खर्चे हैं। तो अगर मैं नुकसान में जाता रहूँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये नहर भी देखो टूटी हुई है, पता नहीं ये बाहर आई हुई है, ये थोड़ी मैप में इन्होंने मतलब रियलिस्टिक लुक दिया है, असली मतलब जैसे कि लगे असली है। तो ये देखो उसमें भी वीड कितना है, देखो उसमें तो बहुत ज़्यादा वीड है, मैंने वीड अभी, इसमें वीड कम है लेकिन भाई उसमें देखो वीड वीड ही वीड है। तो ये वीड ना मारने का नुकसान होता है, लेकिन अगली बार मारूंगा वीड, अगली बार मशीन ख़रीद लूँगा। सोच रहा हूँ एक ही मशीन ले लूँ, उसमें फर्टिलाइज भी हो जाएगी और हर्बिसाइड भी चल जाएगी, दोनों स्प्रे हो जाएंगी। तो ऐसी मशीन भी आती है जिसके अंदर दोनों हो जाता काम, तो एक ही ले लो। तो एक ही ले लूँगा मैं, उसमें कभी फर्टिलाइज़ कर दूँगा उससे, उसी से वीड मार दूँगा। तो एक बार बार मुझे दो नहीं खरीदनी पड़ेगी, मेरे पैसे बचेंगे और काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। तो ये नहर के यहाँ पर फंसता है ना बार बार, तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगा, दो लाइन काट दूँगा, ताकि हेल्पर अपना काम भाई आराम से करे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये कट गई है, इसको कर लेंगे बंद, और एक बार गाड़ी आ रही, इसको जाने देंगे भाई, गाड़ी और कोई तो नहीं आ रही, एक गाड़ी इधर से आ रही, चलो वो रुक जाएगा, कोई बार रुक जा भाई, रुक जा, तो एक मिनट रुक जा भाई, रुक ही नहीं रहा भाई, रुक ही नहीं रहा, तो क्या बात है। तो एक लाइन ये काटने से फ़ायदा हो जाएगा ना,
जगह बन जाएगी ना, हार्वेस्टर को मोड़ने के लिए जगह चाहिए होती है मोड़ने के लिए, तो अगर नहीं मोड़ूंगा तो हेल्पर फिर काम नहीं करेगा। तो 38% हो गया ये 10,000। फिर मुझे अपनी ट्रॉली लानी पड़ेगी, ट्रॉली में माल भरना पड़ेगा और फिर साइलो में डालना पड़ेगा बार बार। ट्रॉली की कैपेसिटी तो 20,000 है, यानी कि दो चक्कर मारेगी ट्रॉली एक ही बार में, एक बार में 10,000 ही आता है इसमें। हार्वेस्टर की कैपेसिटी कम है, तो जो अच्छे से अच्छा हार्वेस्टर भी है, बड़े से बड़ा आई मीन, उसकी कैपेसिटी 17,000-18,000 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मोड हैं, मोड के अंदर तो आप 1 मिलियन कैपेसिटी कर लो, 10 मिलियन कर लो या 2 लाख कर लो, जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जो असली रियल में आते हैं उनकी कैपेसिटी भाई 17,000-18,000 ही होती है, उसके ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि टैंक के आखिर वो देखो भरेगा, ये देखो अब ये भर जाएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा, इसमें बताओ 1-2 लाख कहाँ से माल आ जाएगा, 2 लाख फसल उसके अंदर कहाँ से आएगी। तो मोड सही होते हैं देखने के लिए बस, अच्छे हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में तो मोड नहीं होते, तो खुद ही काम करना पड़ता है सारा। तो यहाँ से अब जगह बन गई है पीछे से बढ़िया, देखो हेल्पर आराम से काम कर सकता है। और अभी इसको ले चलूँगा मैं उस तरफ, वो कोने में जाऊँगा दूसरे में, दोनों तरफ नहर है ना, तो एक पल्ली तरफ भी नहर है। और अभी मेरे पास वर्कशॉप भी नहीं है रिपेयरिंग, अगर मुझे रिपेयर करने हो अपने टूल, अपने ये हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली या सीडर वगैरह, तो उसके लिए मुझे वर्कशॉप भी चाहिए। यहाँ तो फिर मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा, शॉप पे होती है वर्कशॉप, तो वहाँ वर्कशॉप होती है, वहाँ जाके अपने इनको सबको रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप रिपेयर नहीं करोगे तो इनकी स्पीड दिन पर दिन गिरती जाएगी, तो अपनी गाड़ियों को टिच रखना चाहिए एकदम बढ़िया। ओह एक जारी कर, थोड़ा सा पीछे लूँगा इसको और इसको नीचे करके सीधा कर लेंगे एक बार, और बी दबा के 3 दबा देंगे क्रूज मोड। और ये कटने लगी हमारी कनोला, देखो यार क्या मशीन बनाई है, आगे से मतलब भूसा, जैसे समझ लो कि भूसा भरा जा रहा है, देखो भूसा भरा रही है, मतलब फसल कट रही है, और अगर पीछे देखेंगे तो हमारी फसल पूरी मिल रही साफ सुथरी है ना, कमाल की चीज़ भाई, टेक्नोलॉजी है। और भाई स्टार्स गेमिंग की तरफ से सारे जो किसान भाई हैं उनको भाई दिल से सलाम है, इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, हमारे लिए फसलें उगाते हैं, दालें उगाते हैं और फल फ्रूट भाई कितना कुछ सब्जियां उगाते हैं। तो अगर ये ना करें काम, अगर ये काम करना बंद कर दें, हड़ताल पे बैठ जाएं, तो भाई कहाँ से मिलेगा खाना, पूरा संसार भूखा मर जाएगा। आप सोच लो पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड में कितने फार्मर होंगे, तो भाई सरकार को भी सोचना चाहिए इनका। तो कई बार सरकार कुछ गड़बड़ कर देती है, इनको नहीं देती है, इतनी मेहनत करते हैं वो उनको। चलो सरकार और किसानों की तो भाई कई सालों से लड़ाई चल रही है, रोज़ ही अखबार में हर जगह आता ही रहता है। चलो जो है, तो ये 2 लाइन मैं यहाँ से काट दूंगा ताकि नहर के अंदर हमारा हेल्पर ना फंसे। आप भी करना, अगर आपके खेत के आसपास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले आप 1-2 लाइन काट देना, उसके बाद हेल्पर को देना, अगर आप पहले दे दोगे तो वो काम नहीं पूरा करेगा। तो इस लाइन को काटता हूँ मैं, फिर इसको हेल्पर को लगाता हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलूँगा जब पूरी कटाई हो जाएगी, तो देखते हैं कितना माल हुआ। ठीक है, इसको कर लेंगे बंद, तो घुमाते हैं और वापस। और अब लगाऊंगा मैं इसको कोने से, अगर आपको इसको बीच में लगा दोगे ना हेल्पर को, तो ये आधा खेत करेगा, ये सोचेगा कि खेत एक तरफ है, शायद दूसरी तरफ ना काटे, तो इसको एक तरफ से लगाएंगे ताकि पूरा खेत काटे। तो हेल्पर को यहाँ पर लगाता हूँ, सेट करता हूँ यहाँ पर, आ जाइए पीछे आओ, और यहाँ पर कर देंगे इसको डाउन। ठीक है, यहाँ से करेंगे स्टार्ट और हेल्पर लगा देंगे। ठीक है भाई, हेल्पर लग गया अपना और ये काट रहा है फर्स्ट क्लास, देखो गेम सेव हो रही है। और ये कल्टीवेट, ये यहाँ से हार्वेस्टिंग हो गई है और ये यहाँ से काट के इसको काट देगा। तो चलो यार मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, ये खेत कट जाने तो देखते हैं कितना टोटल, मेरी साइलो तो बिल्कुल खाली है, तो देखता हूँ कितने
टन कितना कितने किलो माल हुआ ये, उसके बाद फिर कनोला का रेट जहाँ पर भी बढ़िया होगा बाद में बेचूँगा इसको। कहाँ गया भाई रेट ये रहा, ये अपनी कनोला, कनोला का रेट पहले 2000 था भाई, आज का रेट तो है 2100, बहुत बढ़िया। और सोयाबीन भी लगाई थी हमने, इसका रेट था पहले 1800 आप, लेकिन थोड़ा सा गिर गया, 1700 हो गया। तो चलो कनोला का रेट तो बढ़िया है, हमें तो कनोला बेचनी है तो आज इसको बेचते हैं, और ये देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है भाई फिर मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, पूरा खेत काटने के बाद। तो यार वो जो हार्वेस्टर था पुराना जो मेरे पास था पहले, उसको तो मैंने बेच दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था और देखो उसने अभी तक इतना सा खेत काटा था, और मैंने उसको बेच के ये किराए पे लिया एक CR1090 और इसके साथ का हेडर भी है 13 मीटर का। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गैरेज में चल के लीज आइटम। तो मैंने ये लिया है हार्वेस्टर और ये है हेडर। तो कई भाई पूछते हैं कि इसके साथ कौन सा हेडर लगेगा, तो यहाँ कौन सी किस हार्वेस्टर के साथ कौन सा हेडर लगता है। तो अगर आप हेडर पे क्लिक करते हो तो ये नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये होती है अटैचमेंट, इसके साथ 3162 ट्रैपर हैली 12000 HS 16, तो ये लगेंगे इसके साथ, ठीक है। और ये देखो अगर इसका नाम वेरीफाइड 41, तो ये इसकी अटैचमेंट है, ये दिखा रहा है कि ये किसके साथ लगेगा, ये लगेगा CR1090 के साथ। तो इसका हेडर है ये, तो इसके साथ का ही है। तो अगर आप इसको, ये तो मैंने आपको दिखाया, अगर आप शॉप में जाके इसको देखोगे हेडर को, तो ये हेडर का नाम है वेरीफाइड 41T, ठीक है। और हार्वेस्टर हम देखते हैं तो ये है, इसके साथ लगेगा CR10, ये ड्रैपर हैली और ये। तो अटैचमेंट ये दिखा देते हैं नीचे किस किस के साथ कौन कौन सा लग सकता है। तो वो हेडर उसका था 1090 का। तो यार वो बहुत स्लो काम कर रहा था, और साइलो के अंदर मैंने अभी माल डाल दिया है 40-50 हज़ार हो गया किलो। तो ये पूरा खेत कट के कितना होगा मुझे नहीं मालूम, शायद 1 लाख के आसपास हो जाएगा। तो यार अभी मैं सोच रहा था कि दोनों खेत आज ही काट दूंगा, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इस खेत को काट देते हैं और कनोला को जमा कर देते हैं साइलो के अंदर, और कल काटूंगा मैं उसको, क्योंकि मेरे पास अब ये किराए पे ले रखा है मैंने, तो इसका किराया मुझे लग गया कम से कम $30,000-35,000 एक दिन का। लेकिन अब ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा हार्वेस्टर चाहिए। और हेडर की स्पीड 10 की है, तो हार्वेस्टर की स्पीड 40 की है, लेकिन हेडर की स्पीड डिपेंड करती है कि वो कितनी स्पीड पे काटेगा। तो ये इसीलिए इसकी 10 की स्पीड आ रही है, तो 10 की स्पीड से ऊपर भी आते हैं, 10 की स्पीड वाले ऊपर के, उसके ऊपर के हेडर भी आते हैं। कहाँ गए यार एक मिनट, तो ये ज़्यादा स्पीड वाले हेडर भी होते हैं अगर आप देखो तो, जैसे ये है तो ये 1090 के साथ भी लग जाएगा जो मैंने हार्वेस्टर अभी लिया है, इसकी स्पीड है 15 की और ये 12 मीटर का है, ठीक है ना, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ये 1 मीटर 1.5 मीटर छोटा है। तो इनकी स्पीड भी होती है, इसकी देखो 10 की, आइडल इसकी भी 10 की है, 12 मीटर लंबा है और 10 मीटर स्पीड 10 की है, सिर्फ इसी की है। और ये जो मोड है इसकी स्पीड 42 की है, क्योंकि ये बढ़ाई हुई है मॉडिफाई कर रखा है इसको, तो हम मॉडिफाई वाला नहीं लगाएंगे। तो इसकी स्पीड 10 की है, इसकी 10 की है, सबकी स्पीड 10 की, मैक्सिमम 10 की है, सॉरी मिनिमम 10 की है, ज़्यादा 15 की। तो 15 वाला लाल रंग का है, तो इसके साथ लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए साथ साथ का लगाते हैं ना, तो अच्छा कम से कम देखने में अच्छा तो लगे। तो इसका टैंक फुल हो गया यार, एक बार मैं ज़रा इसको माल को भर लूँ देखो। तो अब ये खेत मैंने सोचा था कि आज दोनों खेत कट जाएंगे तो वीडियो आपको मतलब गेम प्ले बढ़िया हो जाएगा, दिखाता हूँ, लेकिन भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो एक काम करेंगे, कल हम काटेंगे दूसरे खेत को, ओट को, उसको मैं अभी काट लेता हूँ सारे को और सारा माल भरता हूँ साइलों में। और कल मैं लूँगा एक प्लो, किराए पर ले लूँगा अभी, तो प्लो लेके इस खेत को कर देंगे प्लोइंग, और बाकी जो दो खेत पड़े हैं उनके भी प्लोइंग कर दूंगा मैं। तो प्लो करने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें 3 बार अगली बार हम आराम से खेती कर सकते हैं, और लाइम वगैरह भी डाल देंगे, और अगली बार वीड भी मारेंगे और फर्टिलाइजिंग भी करेंगे बढ़िया सी, ताकि हमारी खेती में कोई नुकसान ना हो। वो जो सामने खेत है अगर उसमें देखोगे तो वीड बहुत ज़्यादा है ओट, तो हमें फसल के अंदर नुकसान हो जाएगा, हमें मतलब 70-80% फसल मिलेगी, 25-30% तो वीड ही हो गया, तो वीड के कोई पैसे नहीं मिलते, वीड के पैसे कट जाते हैं।
तो फसल हो सकता है कीड़ा भी लग जाए, ख़राब भी हो सकती है, तो इसलिए वीड मारना स्प्रे हर्बिसाइड कीटनाशक मारना ज़रूरी होता है। ठीक है यार, तो इसको कर देते हैं हम, अभी ले चलते हैं वापस। अरे भाई बस कर, मत डाल अभी, तो ढक्कन बंद कर लेंगे इसको, एक बार साइलेंट में डालता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ अभी यहाँ पे। गेम प्ले आज का ख़त्म हो गया, तो यार कमेंट लाइक करके जरूर बताना कैसा लगा आज का गेम प्ले। और 1 मिलियन डॉलर चैलेंज लिया हमने, तो मुझे 2,40,000 डॉलर मिले हैं सामान बेच के, जो हार्वेस्टर और हेडर, दो हेडर थे, मैंने दोनों बेच दिए। क्योंकि यार बहुत छोटा है वो और खेत हमारा काफ़ी बड़ा है, तो रुला रहा है वो, मतलब बहुत टाइम लगा रहा है करने में। तो अरे यार आई दबाना था, चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खाएं पिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और कुछ भाई लोग कर रहे हैं रिक्वेस्ट 3630 न्यू हॉलैंड की, तो वो और कई कर रहे हैं स्वराज की, स्वराज 855। भाई उसके मोड ही नहीं आए अभी, तो मैं बताओ कहाँ से लाऊं, तो अभी मोड नहीं मिल रहे। और पनोला अपना 65,000 हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि शायद 1,90,000 या 1,00,000 के आसपास हो जाएगा। तो ठीक है, इसको बेच देंगे कल, कल माल बेचेंगे, प्लॉइंग करेंगे और खेत काटेंगे, फिर देखते हैं 1 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन डॉलर कितने दिन में होगा अभी पता नहीं है, अभी तो आज तीसरा दिन ही हुआ है। एक्सपेंसिव में जाएंगे यहाँ, तो ये मुझे 2,68,000 मिले हैं सोल्ड व्हीकल के, हार्वेस्टर हेडर बेच के। ठीक है, तो ये हेल्पर लगाया था पहले, जो अभी हेल्पर जो काम कर रहा है उसके पैसे कटे हैं, तो ये ऐसे काम कर। चलो यार कैसा लगा गेम प्ले बताना ज़रूर, ठीक है। और अगर आप यार असली में खेती करते हो तो ये बताना कि अगर इस खेत को काटेंगे, इतना बड़ा खेत मान लो, अगर हम इस इतने बड़े खेत को काटते हैं, ये कितने हेक्टेयर का, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, दरअसल आनी चाहिए कि ये कितने हेक्टेयर का है, कितने एकड़ का है, तो इसको काटने में कितनी देर लगेगी। मेरे हिसाब से ये 3-4 घंटे में कट जाना चाहिए, और रियल में मैं इसको काट रहा हूँ, मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, तो 2 घंटे मुझे लगता है 2.5 घंटे में काट देगा ये। लेकिन अगर असली में इसको काटें, असली रियल लाइफ में, तो मेरे ख्याल 3-4 घंटे में, 4 घंटे मैक्सिमम ये कट जाना चाहिए। तो बताना ये भी कमेंट करके कि अगर आप खेती करते हो तो ये खेत, इतना बड़ा खेत कितनी देर में कट जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खाएं पिएं स्वस्थ रहें, एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलता हूँ, जल्दी कुछ मोड्स लाऊंगा नए उसके साथ।